मनोज जी आपको रोज फोन करते हैं मम्मी जी, लेकिन मैं उन्हें जब भी फोन करती हूँ वो मेरा फोन काट देते। तूने उस रात मेरे बेटे को नाराज कर दिया क्या? मेघा, मेघा बरसेंगे सीरियल के एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी मेघा जो है वो काफी ज्यादा टेंशन में है और पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें देख ही रहे थे कि किस तरह से मनोज जो है इस बार मेघा को छोड़कर अकेले ही जॉर्जिया चला जाता है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें मेघा को काफी ज्यादा टेंशन दे रही है। और इसी के साथ यहाँ पर मेघा के मन में और भी कई सवाल घूम रहे हैं, जैसे कि पैसे को लेकर। या मनोज जी आपको रोज फोन करते हैं मम्मी जी, लेकिन मैं उन्हें जब भी फोन करती हूँ वो मेरा फोन काट देते। तूने उस रात मेरे नाराज कर दिया क्या? मेघा, मेघा के अकाउंट से 5-5 लाख रुपए कट जाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, कौन ले रहा है ये पैसे, कहाँ से उसके अकाउंट में पैसे आए थे। और ये सभी चीजों को सोचकर हमारी मेघा काफी टेंशन में आ रही है और इसी सवाल का जवाब लेने वो अपने डैडी जी यानी ससुर जी के पास जाती है। और हमने एपिसोड में देखा ही था कि किस तरह से नशे की हालत में वो धुत थे और इस नशे की हालत में वो हमारी मेघा पर इतनी जोर से इतनी इस कदर चला देते कि भाई हमारी मेघा जो है पूरी तरीके से कांप उठती और डर जाती, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि डैडी जी कभी उसके साथ ऐसा करेंगे। उसने तो कई सपने सजोए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि भाई उसका घर परिवार काफी प्यारा है, सब लोग काफी अच्छे हैं, लेकिन ये बदला हुआ रूप देखकर हमारी मेघा काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम यही देख रहे हैं कि भाई किस तरह से मनोज के माँ बाप जो है दोबारा से हमारी मेघा को मैनिपुलेट करते हैं और मनोज भी मिलकर यहाँ पर काफी मैनिपुलेट करता है, उसे समझाता है कि डैडी जी की आदत है नशे करने की और वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं लेकिन नशे की हालत में उनसे कोई बात नहीं करता। और यही सारी दोबारा से वो घुमा फिराकर हमारी मेघा को समझाता है और इस बार हमेशा की तरह दोबारा से हमारी मेघा जो है वो मनोज की बातों में आ जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर मेघा मनोज को बताती है कि उसके अकाउंट से 5-5 लाख रुपए कट हुए और वो किसी सिकंदर तलवार के नाम पर गए। और ये सुनकर मनोज का रिएक्शन काफी ऐसा चौंका हुआ होता है, क्योंकि वो डर जाता है और ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई सिकंदर तलवार कोई और नहीं बल्कि मनोज ही है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेघा को कुछ लोग देखने के लिए आते हैं उसके घर पर, यानी कि उसके ससुराल में कोई लोग कोई मेहमान आए हुए हैं उसे देखने के लिए। और यहाँ पर मेघा ने जैसा सोचा था कि भाई लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसके सास ससुर के दोस्त आते हैं, यानी कि सब मेघा को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी में तो सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारी औरतें आती हैं, वो मेघा को ताना मारने लगती और कहती है कि कैसी बहू हो तुम, तुम्हारी सासू माँ यहाँ पर काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके ससुर जी यानी डैडी जी के सारे दोस्त जो है ये सब मिलकर वहां पर दारू पीना शुरू कर देते, जिसे देखकर हमारी मेघा काफी ज्यादा शॉक में भी आती है। और इसी के साथ आगे हम देखने वाले हैं कि भाई सास ससुर मिलकर हमारी मेघा को काफी टॉर्चर करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सासू माँ आराम से कमरे में बैठकर चिल करेंगी, सीरियल देखेंगी और बार बार लगातार कुछ ना कुछ काम हमारी मेघा से करवाती रहेंगी, कभी पानी मांगेंगी कभी चाय मांगेंगी। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से डैडी जी हमारी मेघा को परेशान कर रहे हैं और वो तो काफी शर्मनाक हरकत कर चुके हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो खुद मेघा से दारू की बोतलें मंगवाते हैं, उससे कहते हैं कि ग्लास में दारू डालो। और ये सारी चीजें हमारी मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और हम देख सकते हैं कि कितनी परेशान हो चुकी है हमारी मेघा। और आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सिचुएशन से बाहर आ पाती है मेघा या फिर नहीं।